छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने नशीले पदार्थ के कारोबारियों पर कार्रवाई कर शराब बरामद की। वहीं अवैध शराब की कीमत 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी रामहित जैसवार सपेला थाना दुर्ग जिले का रहने वाला है, जो अपने साथ कार में अवैध तरीके से शराब लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस ने आरोपी के साथ शराब और कार को बरामद कर लिया। बेमेतरा से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला पुलिस को अवैध शराब के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 30 पेटी अंग्रेजी शराब होंडा सिटी कार में जब्त की गई है और यह शराब मध्य प्रदेश के जैतहरी चलाना बताया गया है। इस तरीके से तस्कर अंतर्राज्यीय तस्कर है, जो एक प्रदेश से लेकर के जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक लाने का काम कर रहा है। आरोपी राम हित जैसवार अपना नाम बताया है और इसके संबंध में पुलिस ने और भी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला इसके विरुद्ध जो है और भी मामले जो है पुलिस में दर्ज हैं और यह शराब तस्करी का काम करता है। इस तरीके से हमारे जो है बेमेतरा पुलिस थाना बिरला में एक अच्छी कार्रवाई जो है अवैध शराब के विरुद्ध हो रही है। शासन भी इस चीज़ के लिए जो है संकल्पित है कि अवैध शराब जो है पूर्णतः अंकुश हो, नशे पर अंकुश हो। बेमेतरा पुलिस जो है इसको लगातार कार्रवाई कर रही है, एक बड़ी सफलता जो है हासिल हुई है। इसमें हमारे जो है SDOP तेजराम पटेल, बेला थाना साइबर टीम और अन्य जो है जिले की टीम का भी जो है सहयोग लिया गया और इस सहयोग की बदौलत जो है एक बड़ा तस्कर जो है बेमेतरा पुलिस की हिरासत में आया है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी सफलता है, पूरी टीम को मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जो है यह आश्वस्त करता हूँ कि यह अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा